गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी मैं हूँ कुआला लंपुर में। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास की ट्रेन चाइना में, और यहाँ पर हम लोग आए हैं न्यू ईयर मनाने। आई एम हियर विथ चिराग हु इज ऑलरेडी रेडी, एंड देन दैट्स जिया समवेयर इन द वीडियो, एंड देयर इज ज्योति हु इज ऑल्सो रेडी। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं स्ट्रॉबेरी फार्म। अभी पता नहीं स्ट्रॉबेरीज होंगे या नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मलेशिया में जहाँ पर आप खुद जा सकते हैं स्ट्रॉबेरी फार्म में, और वहाँ पर आप खुद स्ट्रॉबेरी को काट कर अपने घर लेके भी जा सकते हो, मतलब खा सकते हो, लेके जा सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जाते हैं वहाँ पर, विच इज़ नियर द जेंटिंग हाईलैंड। बट उससे पहले लेट्स गो फॉर अ क्विक ब्रेकफास्ट। फाइनली कुछ यहाँ पर इंडियन फूड मिल गया हमें। सम पोटैटो मसाला, वेजिटेबल फ्राइड क्वाओ टियाओ, ये तो नहीं पता, लेकिन ब्रेड पराठा है, मतलब ये रहे ब्रेड। और वेजिटेबल दाल है जिसको ढाल लिख दिया है, लेकिन दैट्स द वेजिटेरियन फूड वी हैव। कुछ पीनट्स है, और वी हैव लॉट ऑफ केलॉग्स हियर। तो ये है खाने के कुछ ऑप्शंस। लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, जस्ट बुक द उबर, टेक्निकली द ग्रैब कार हियर, व्हिच इज व्हाट द सर्विस नेम इज, एंड व्हीकल नंबर इज 6839। या दैट्स द वन। द टैक्सी इज ऑलरेडी हियर, सो लेट्स गो ऑन टू द राइड। और दोस्तों यहाँ पर एक घंटे की कंप्लीट राइड के बाद हम लोग पहुँच गए हैं स्ट्रॉबेरी फार्म, जो यहाँ पर पीछे की तरफ है। द नेम रिटन इज जेंटिंग स्ट्रॉबेरी लीजर फार्म्स, वेलकम सलामत द टंग और तमान संताई स्ट्रॉबेरी जेंटिंग। और ये है ब्यूटीफुल यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फार्म। मौसम बहुत ही सुनहरा है, आप देख सकते हैं कंप्लीट क्लाउडी है एरिया, और इन सारे क्लाउड्स के बीच में है ये जगह। सो लेट्स गो इनसाइड। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टू इन्फॉर्मेशन के पास जाते हैं और टिकट के डिटेल्स लेते हैं। हेलो, टिकट्स फॉर फोर, सॉरी टू बिग टू स्मॉल, या टू बिग टू स्मॉल। और ये है यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फार्म। अगेन यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर्स भी है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, कलर्स, ऑप्शंस आप देख सकते हो। बट देन अभी अभी उन्होंने काउंटर के ऊपर यही बात बोली कि देयर आर चांसेस कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज अभी नहीं होंगे, काफ़ी छोटे होंगे। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द वेदर। तो द बेस्ट पार्ट इज़ वी हैव कम इन द राइट टाइम, इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर है लेवेंडर होलैंड से, जो आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हो, दिस इज़ द लेवेंडर फ्रॉम होलैंड। अगेन नॉट ऑल फ्लावर्स, अभी सारे फूले नहीं हैं, बट देन काफ़ी पीसफुल जगह है। क्लाउड्स के बीच में हम लोग यहाँ पर आए हैं इस जगह का एक्सपीरियंस लेने। होपफुली थोड़े बहुत स्ट्रॉबेरीज बच्चों को तोड़ने मिल जाए, बिकॉज दैट्स द होल पॉइंट। वी हैव कम फ्रॉम ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स आई गेस अवे फ्रॉम कुआलालंपुर। लेट्स गो इनसाइड। Oh yeah, you have strawberry here. Yeah.
दोस्तों जब आप आते हो बिना कोई एक्सपेक्टेशन के तब बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस। हमें लगा नहीं था कि स्ट्रॉबेरीज इतने अच्छे होंगे एंड हियर यू कैन सी वी हैव सम वेरी बिग स्ट्रॉबेरीज। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे हाथों के साइज के हिसाब से आप देख सकते हो वेरी नाइस राइप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज अगेन क्लाउड्स के बीच में अच्छी सी प्लांटेशन की है। एंड द बेस्ट पार्ट हम लोग सुबह के 9 बजे यहाँ पर आ गए हैं। 9 बजे ये जगह खुलती है और इन सबको बहुत ही जल्दी है स्ट्रॉबेरीज काटने की और अपने अपने बास्केट्स को फिल करने की। बट देन ओवरऑल इफ यू आर हियर इन कुआलालंपुर विद द किड्स दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू कम डाउन हियर, क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी है जहाँ पर आप स्ट्रॉबेरीज अपने बच्चों के साथ कट कर सकते हो, अपने साथ आप कट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और फिर यहीं पर खा सकते हो या फिर घर लेके जा सकते हो। दैट्स ऑल योर चॉइस। बट देन अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस विच इज़ वेरी क्लोज टू द जेंटिंग हाईलैंड्स। हालांकि यहाँ से हमारा नेक्स्ट प्लान है यहाँ से जाने का बाटू केव्स, जहाँ पर मैं तो काफ़ी बार गया हूँ, बट इट्स अगेन एन एक्सपीरियंस फॉर द किड्स। बट देन हियर वी गो, दिस इज़ द ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरी फार्म और वी हैव अ लॉट ऑफ नेचुरल स्ट्रॉबेरीज एज यू कैन सी हियर and all of them are red and juicy. And here we go, that's our kids, the family which is enjoying the whole experience. So guys, मेरे basket में कुछ strawberries आ गई हैं और जिया के बास्केट में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉबेरीज। जिया शो मी योर बास्केट, सो मेनी स्ट्रॉबेरीज, विच कलर आर दोस? पिंक। एंड दैट्स योर फेवरेट? लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, कम 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 कम। और पीछे की तरफ भी बहुत सारे प्लांटेशंस है, सो दैट्स ए ब्यूटीफुल स्पेस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज। ऐसा नहीं है कि मतलब 2 रो 3 रो होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो लेट्स गो इन साइड दिस लेन नाउ एंड लेट्स सर्च फॉर सम स्ट्रॉबेरीज। मेरे लिए थोड़ा सा टफ है ये काम क्योंकि कलर समझ में नहीं आ रहे हैं। हालांकि दिस वन लुक्स गुड बट देन पीछे से थोड़ी सी रेड कम है, बट या लेट्स कट दिस आउट। यू वॉन्ट वन? ओके कम हियर कम हियर कम हियर। ओके दिस वन इज़ फॉर जिया, कम हियर जिया। एंड लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, कम 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 जिया, कम 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 कम। डन, वी आर डन। ओह देयर इज वन देयर, देयर आर फ्यू हियर, कम 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 कम, रन 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 रन। हियर दिस वन इज़ फॉर जिया एंड दिस वन इज़ फॉर जिया, दिस इज फॉर जिया। ओके डन, वी आर डन विथ ऑलमोस्ट 2 baskets ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। ऑफकोर्स देर आर सम न्यू वंस, दीज आर सम फ्रेश वंस और कुछ दिन के बाद ये इस तरह से पक जाएंगे। तो आई हैव गॉट सम, आई पुट इट इन जियाज बास्केट। सो हियर वी गो एंड दिस इज वन फुल बास्केट। लेट मी जस्ट शो इन द वीडियो, लेट अस शो, जी शो इन द वीडियो, शो योर बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड लेट्स गो आउट। एक बहुत ही लंबे फोटो सेशन के बाद अभी हम लोग निकले हैं बिलिंग काउंटर की तरफ और यहाँ पर काफ़ी लोग आ गए हैं, विच इज़ वाई आई हैड सजेस्टेड यू, अगर आप आ रहे हो
तो 9 बजे स्ट्रिक्ट 9 o'clock यहाँ पर पहुँच जाना, क्योंकि इसके बाद तो काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे कुछ इस तरह से, और यू वॉन्ट हैव दैट एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया था। साइलेंस में यहाँ पर एंजॉय करना अलग होता है, और इतने लोगों के सेल्फीज़ या फिर फ़ोटोज़ के बीच में यहाँ पर आना एक कन्फ्यूजिंग हो जाता है। लेट्स गो टू द बिलिंग काउंटर ताकि हम लोग देखें हमने कितने स्ट्रॉबेरीज काटे और कितना हमें इसका पेमेंट करना पड़ेगा। बट देन ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वी हैड हियर। लेट्स गो। एंड हियर यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रॉबेरीज ऑलरेडी है, मतलब दे हैव द ड्राइड स्ट्रॉबेरी एट 15 ringgit यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं। बट वी वुड जस्ट वे आवर स्ट्रॉबेरीज कम हियर। जी गिव मी योर स्ट्रॉबेरीज। ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट हाफ बास्केट हमने यहाँ पर ली थी। और हियर वी गो। ऑलमोस्ट 2 बॉक्स तो हमारे भर ही जाएंगे यहाँ पर, आप जैसे देख सकते हो। और 2 बॉक्स का वेट 86, टोटल वेट हुआ है हमारा 86, yeah. So total हुआ है यहाँ पर 37 ringgit which is around I would say 700 rupees, not bad, 700 rupees में ये experience, thank you, जहाँ पर हम लोग खुद अपनी स्ट्रॉबेरी कट किए हैं और बच्चों को एक अलग ही बहुत ही नेचुरल सा एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल गया था। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ही मेंशनड है, वेट मेंशन नहीं है, हालांकि वेट वाज अराउंड 460 grams विच इज़ आई गेस हाफ अ केजी, नॉट बैड फॉर हाफ एन आवर ऑफ प्लकिंग स्ट्रॉबेरीज। तो ये है यहाँ पर बेहतरीन स्ट्रॉबेरी फार्म। सो गाइज ओवरऑल यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा व्लॉग जो है यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फार्म का। अगर आप इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब रहिए, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स इस चैनल के ऊपर लेते आते रहता हूँ। बस इतना सही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब रहिए, और मैं आपसे मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।